तो ऑब्वियसली जब वो एक अच्छा स्टेडियम बना रहे हैं और उनके पास इक्विपमेंट ज़्यादा होंगे, उनके पास जगह ज़्यादा होगी, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा बढ़ेंगी और इंटरनेशनली भी लोग पसंद करेंगे उनके पास जाना, उधर मैच देखना चाहेंगे। इंडिया वालों बुला लो, मैंने वहाँ का मैच कभी नहीं देखा, मैं आके देखना चाहूँगी। वहाँ पर किस टीम का मैच देखना चाहेंगे? मैं इंडिया का ही देखूंगी, इंडियन टीम बहुत अच्छा खेलती है। तो एक स्टेडियम जहाँ पर एक प्रॉपर स्टेडियम होगा, जिसकी वजह से जब बारिशें नहीं इफेक्ट होंगी, जब मौसम पे नहीं इफेक्ट होगा, तो लोग गेम्स भी खेलेंगे और इन्जॉय भी करेंगे। और सबसे बेस्ट चीज़ ये होगी कि गेम्स रुकेंगी नहीं बारिशों की वजह से। वो अब दुनिया की बेहतरीन बेहतरीन जो डेवलप करने वाली कंट्री है, उनमें उनका नाम शामिल हो रहा है और वो दूसरे ममालिक से फायदा भी हासिल कर रहे हैं। हमने सारी जिंदगी अमरीका के कहने माने और वो हमारे आगे आ रहे हैं, देखें वो भी अब अमेरिका के साथ है, हाँ, वो भी रिलेशन बना रहा है, लेकिन वो अब पहले अपनी कौम को, अपने मुल्क को आगे रखते हैं। और इंडिया में इसलिए बना है कि इंडिया का जो क्रिकेट बोर्ड है ना, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। उनका जो आईपीएल है, दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स लीग है क्रिकेट के हवाले से, और उनके जो आईपीएल का जो पैसा है, यानी कि वो इतना पैसा अपने खिलाड़ियों को देते हैं और उसके जो ब्रॉडकास्टिंग राइट है आईपीएल के, वो बहुत ज़्यादा बिलियंस ऑफ डॉलर्स में। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में भारत पूरी दुनिया में बहुत ही तेज़ी से विकास कर रहा है और इसीलिए भारत में बहुत ही तेज़ी से सड़क और बिल्डिंग बनाई जा रही है। और अब प्रधानमंत्री मोदी अपने इस विकास के दौर में एक और नया अध्याय जोड़ने जा रहे हैं, जो है शिव भगवान का स्टेडियम, जो कि यूपी में होगा और ये बहुत ही ज़्यादा आकर्षक होगा। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि स्टेडियम जो क्रिकेट के लिए बना है, दुनिया में कहीं भी बने, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और इंडिया में इसलिए बना है कि इंडिया का जो क्रिकेट बोर्ड है ना, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। उनका जो आईपीएल है, दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स लीग है क्रिकेट के हवाले से, और उनके जो आईपीएल का जो पैसा है, यानी कि वो इतना पैसा अपने खिलाड़ियों को देते हैं और उसके जो ब्रॉडकास्टिंग राइट है आईपीएल के, वो बहुत ज़्यादा बिलियंस ऑफ डॉलर्स में वो सेल करते हैं। जैसे कि सोनी स्पोर्ट्स ने इस बार लिया है 1.2 बिलियन डॉलर का, और वो खिलाड़ियों को भी 1 मिलियन 2 मिलियन डॉलर देते हैं उनकी ऑप्शन जो होती है। और पाकिस्तान में इसलिए ये मतलब बड़े स्टेडियम नहीं बन पा रहे हैं, जो स्टेडियम मौजूद है उनको अपग्रेड नहीं किया जा रहा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा कम है, यहाँ पे जो ब्रॉडकास्टिंग जो है ना, स्पॉन्सर जो है वो बहुत छोटे छोटे हैं। अब दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकाल में वाराणसी का बहुत ही ज़्यादा विकास करवाया है और अब एक बार फिर से प्रधानमंत्री का वाराणसी में एक और ही बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने जा रहे हैं। और इस क्रिकेट स्टेडियम की बन जाने से ना केवल वाराणसी में बल्कि पूरे टूरिज्म और होटल को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही साथ और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था है उसमें भी एक सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। और उत्तर प्रदेश के युवाओं को क्रिकेट की ट्रेनिंग के लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और सारी सुविधा इस स्टेडियम में उपलब्ध होगी। और वाराणसी में बनने वाला ये अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। इस स्टेडियम में गारजरी गांव की 30 एकड़ जगह में बनाया जा रहा है और इस स्टेडियम की क्षमता करीबन 30,000 लोगों की होगी, जिससे कि भविष्य में बढ़ाकर करीब 40,000 किया जाएगा। इसी के साथ साथ इस अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खिलाड़ियों को सारी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं दी जाएगी, जिसमें उनको खेल के लिए खेल की बहुत बड़ी पिच मिले, HD ब्रॉडकास्टिंग के लिए फ्लैट लाइट मास्क होगी, बेहतरीन ट्रेनिंग सिस्टम होगा और साथ ही साथ प्लगिंग प्ले ब्रॉडकास्टिंग ढांचा की सुविधाएं होगी, पार्क रूप होगा, साथ ही साथ एक्सक्लूसिव नेट वाले प्रैक्टिस ग्राउंड होंगे, इसके साथ साथ पार्किंग के लिए भी पर्याप्त जगह होगी। इस अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की साउथ पवेलियन के ऊपर वाले लेवल में एक भी सिस्टम VVIP जोन होगा, जिसमें डाइनिंग की सुविधा वाले कॉरपोरेट बॉक्स और लाज होंगे। स्टेडियम तक आसानी से और सुलभता से पहुंचने के लिए बेहतरीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ ही साथ कई और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध होगी। अब काशी एक ऐसा शहर है जहाँ पर कण कण में भगवान बसे हुए हैं, वहीं यहाँ पर आपको भगवान शिव की भक्ति का एक अलग ही स्वरूप देखने को मिलता है। तो इसीलिए जो काशी में जो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाया जा रहा है, उसके कण कण में भगवान भोलेनाथ से जुड़ी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सुंदर तरीके से प्रस्तुत होंगी, जिसमें आप देख सकते हो कि भगवान शिव के माथे पर सुशोभित होने वाले चंद्रमा के आकार की उस स्टेडियम का छत बनाया जा रहा है। फिर जो इसकी फ्लड लाइट मास्क है, वो त्रिशूल के आकार की होगी और जो इसका मीडिया सेंटर है, वो डमरू के आकार का होगा। साथ ही साथ जो भगवान के शिव को चढ़ावा है बिलपत्र, उसको आप इस स्टेडियम के चारों ओर एक लग्जरियस डिज़ाइन में देख पाओगे। इस स्टेडियम की जो दुनिया है, उसको वाराणसी घाट की तरफ बनाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर इस अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के बन जाने से न केवल भारत को बल्कि पूरे जो भारतीय युवा है उन सबको भी फायदा होगा और उनका भी विकास होगा। भारत को टूरिज्म और कहीं भी ऐसे बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। पाकिस्तान में इतना बड़ा स्टेडियम कब बनेगा? जब मुझे पता चल जाएगा।
किस चीज का? इन सब चीजों का, यानी कि नामुमकिन वाली बात। नहीं अभी मुझे पता चल गया। आपने कभी स्टेडियम में मैच देखा? हाँ जी देखा है। कैसी फैसिलिटीज रहती हैं उनकी? नॉर्मल नॉर्मल है, यानी कि अच्छी कोई आप एक्सपीरियंस नहीं रहा? नहीं मुझे नहीं अच्छा लगा। और अगर हम आप इंडिया में उधर चले जाएं, जितना इतना बड़ा स्टेडियम है, फिर उनकी फैसिलिटी भी ज्यादा होगी, तो उधर मैच देखना चाहेंगे? इंडिया वालों बुला लो, मैंने वहाँ का मैच कभी नहीं देखा, मैं आके देखना चाहूंगी। वहाँ पर किस टीम का मैच देखना चाहेंगे? मैं इंडिया का ही देखूंगी, इंडियन टीम बहुत अच्छा खेलती है, उनका देखना चाहेंगे। हाँ जी। पाकिस्तानी आप हैं, पाकिस्तानी तारीफ इंडिया की जाए? देखें जो तारीफ होती है ना वो होती है, इसके अंदर ये वो प्रेफर नहीं होना चाहिए कि जी आप पाकिस्तान में रहते हो और तारीफ इंडिया की। उसने अपनी आवाम को अब खुश रखा हुआ है, और उसके अलावा वो अब दुनिया की बेहतरीन बेहतरीन जो डेवलप करने वाली कंट्री है उनमें उनका नाम शामिल हो रहा है, और वो दूसरे ममालिक से फायदा भी हासिल कर रहे हैं। हमने सारी जिंदगी अमरीका के कहने माने, और वो हमारे आगे आ रहे हैं, देखें वो भी अब अमेरिका के साथ है। हाँ, वो भी रिलेशन बना रहा है, लेकिन वो आप पहले अपनी कौम को अपने मुल्क को आगे रखते हैं। और हम ये करते हैं, हम अगर अमेरिका के साथ रिलेशन बेहतर करते हैं तो हम चाइना को नाराज कर देते हैं, या चाइना नाराज हो जाता है, कभी रशिया नाराज हो जाता है, अगर उनके साथ बेहतर करते हैं तो यूएस अमेरिका नाराज हो जाता है, वो सबके साथ रिलेशन बेहतर। नहीं नहीं, चाइना नाराज नहीं होता, चाइना को हम खुद नाराज करते हैं जो उनके साथ हमने मुआहदे किए होते हैं, हम उनकी पासदारी नहीं करते। देखें जी हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं वो सारे ही हमसे नाराज हैं, इंडिया तो है ही है ना, वो तो आई थिंक ज्यादा लोकल लोगों के लिए है कि लोकल लोग जो आए वो वहाँ पर आकर गेम्स खेलें और उन गेम्स को एंजॉय करें। तो अब ये स्टार्ट हो गया है, तो अगर लोकल लोग आ रहे हैं तो आई थिंक इन फ्यूचर इंटरनेशनल गेम्स भी होनी चाहिए, तो आई थिंक हमें इसको प्रमोट करना चाहिए ताकि ज्यादा लोगों तक इस स्टेडियम के बारे में इंफॉर्मेशन जाए, और उसके बाद यहाँ पर लोकल के अलावा इंटरनेशनल गेम्स भी होंगी। बिल्कुल सही आयशा, तो वहाँ पर ऑब्वियसली स्नो फॉलिंग होगी, बारिशें होंगी या वेदर के डिफरेंट कंडीशन होंगी, तो उन कंडीशन में किसी भी टीम के लिए खेलना बहुत मुश्किल होता है। तो एक स्टेडियम जहाँ पर एक प्रॉपर स्टेडियम होगा जिसकी वजह से जब बारिशें नहीं इफेक्ट होंगी, जब मौसम पे नहीं इफेक्ट होगा, तो लोग गेम्स भी खेलेंगे और एंजॉय भी करेंगे, और सबसे बेस्ट चीज ये होगी कि गेम्स रुकेंगे नहीं बारिशों की वजह से या स्नो फॉलिंग की। क्रिकेट स्टेडियम बनाने जा रहा है, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और जाहिर सी बात है उनके जो क्रिकेट का सिस्टम है वो ऑब्वियसली और ज्यादा बेहतर होगा, और इंटरनेशनली जो टीम्स हैं वो ट्रैवल करना चाहेंगी इंडिया के लिए। और ये सजेशन जो है वो मैं पाकिस्तानियों को भी देना चाहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर भी एक क्रिकेट स्टेडियम इस तरह का बड़ा होना चाहिए। कजाफी हमारे पास है, फोर्ट्रेस हमारे पास है, लेकिन हमारे पास कोई ऐसी बड़ी अचीवमेंट होनी चाहिए जिसके बाद पूरी दुनिया के अंदर लोग उस चीज़ को अप्रिशिएट करें, और उसी के साथ साथ जो टीम्स हैं पूरी दुनिया से वो पाकिस्तान में आएं और आकर क्रिकेट भी खेलें। इसी तरह हम अप्रिशिएट करना चाहेंगे इंडियंस को, क्योंकि उन्होंने एक बड़ी चीज़ को अचीव किया है, और उसके बाद जाहिर सी बात है उनकी इकॉनमी भी बेहतर होगी, उसी के साथ साथ उनके जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो भी ऑटोमेटिकली बेहतर। दोस्तों आज का जो हमारा ये वीडियो है, आई होप आपको पसंद आया, और आपकी क्या राय है इस जो यूपी में बन रहे इंटरनेशनल शिव भक्त वाले क्रिकेट स्टेडियम की, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। जहाँ पर पाकिस्तानी है वो बोखला गए थे कि किस तरीके से जो प्रधानमंत्री है भारत को एक और नई तरक्की की राह पर ले जा रहे हैं, और जो भारत को है सनातनी देश बनाने में लगे हुए, जहाँ पर हिंदू धर्म बड़े बड़े देश अपना रहे हैं, वहीं जो पाकिस्तान है वो सिर्फ आतंकवाद और इसी कारण से बाज नहीं आ रहा है। तो खैर ये तो हमारा आज का वीडियो, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह के वीडियो आप यहाँ पर मिलते रहते हैं। मिलते हैं इसी नए वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।